तो मैंने जाना है काशीपुर बैंक में स्विफ्ट कोड लेने। स्विफ्ट कोड जो कि यूट्यूब क्रिएटर होंगे वो सिंपली जानते होंगे स्विफ्ट कोड किसे बोलते हैं और क्या होता है, किस काम आता है। सबने जो है काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया जिस वजह से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। गैस वैसे घर से तो निकल गए हैं लेकिन अभी जो है घर की मतलब उतनी याद, जैसे होता है ना कि मतलब जाते हैं तो उदास लगता है, ये होता है वो होता है, आज नहीं हो रहा क्योंकि मुझे पता है 2-3 दिन बाद फिर से घर ही आना है। वैसे सौरभ जोशी भी जो है यहीं पर रहते हैं लेकिन कहाँ रहते हैं पता नहीं। दगड़े गुड मॉर्निंग प्रणाम, पहले आग मैं संतोष स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BSC पहाड़ी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, दगड़ियों आगे भी बढ़िया रहना। तो आप लोगों ने कल की वीडियो देखा होगा और इसमें बोला था मैंने कि कल जो है हम काशीपुर जाने वाले हैं, तो आज जो है रेडी तो नहीं हुआ, मतलब वैसे ही अपना ही घर जा रहा हूँ तो क्या रेडी होना है उसके लिए। तो बैग ले लिया है और सामान थोड़ा बहुत जो कि अम्मा ने ले रखा है उस हाथ में। अम्मा हाय। तो अभी जो है सामान वगैरह सब रेडी हो गया, मतलब जो जो ले जाना है उधर। और वैसे किस काम के लिए जा रहा हूँ मैंने आपको ये नहीं बताया। अभी मुझे जो है बबलू मिल चुका है और बबलू ने ले लिया मेरा छोटा वाला बैग, इसमें देखना घी का डब्बा होगा। वैसे मैंने आप लोगों को बता तो दिया है कि मैं जा रहा हूँ काशीपुर लेकिन किस कारण से जा रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ ये नहीं बताया है। तो मैंने जाना है काशीपुर बैंक में स्विफ्ट कोड लेने। स्विफ्ट कोड जो कि यूट्यूब क्रिएटर होंगे वो सिंपली जानते होंगे स्विफ्ट कोड किसे बोलते हैं और क्या होता है, किस काम आता है। मतलब तुम्हारे भाई को स्विफ्ट कोड चाहिए चैनल मोनेटाइजेशन के लिए, मतलब जब चैनल पे $10 या ऐसे कुछ आता है तो स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। तो स्विफ्ट कोड अभी मांग कर रख लेता हूँ, आगे जो है काम आएगा। तो तुम्हारे भाई का चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है वैसे तो, उस सब के लिए आप सभी का जो है दिल से धन्यवाद। आप सब ने जो है काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया जिस वजह से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। फाइनली इस रोड में तो पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ पे दिनेश का की गाड़ी भी नहीं आज, क्योंकि दिनेश का की गाड़ी थोड़ी देर पहले जा चुकी है और ताऊ की गाड़ी हमेशा की तरह वहीं पर है गधेरे में जो कि वहाँ पर सवारी लाएंगे इधर को। और आज नीचे भूजे में इतने बंदर आ रखे हैं ना, पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं। देखो तो नीचे बंदर कुछ ज़्यादा आ गए और यहाँ पर मिक्की और बबलू बानर को हगाने में लग गए। देखो यह है घंटरी और ताऊ की गाड़ी भी आ चुकी है। देखो आज कितना दूर है भागो तो मैं नहीं है घर, परसों आऊंगा मैं काम से आ रहा हूँ ना, बैंक के काम से। गाड़ी आज फुल है, छत में भी हमारे भाई लोग बैठे हैं, हम पता नहीं कहाँ बैठेंगे। ए भाई यहाँ पे अप्पू भाई। गैस वैसे घर से तो निकल गए हैं लेकिन अभी जो है घर की मतलब उतनी याद, जैसे होता है ना कि मतलब जाते हैं तो उदास लगता है, ये होता है वो होता है, आज नहीं हो रहा क्योंकि मुझे पता है 2-3 दिन बाद फिर से घर ही आना है। तो एक्साइटमेंट सी हो रही है, मतलब घूमने जा रहा हूँ एक तरह से, इस टाइप का लग रहा है मुझे। छत का सफर हमारा यहीं पे तक था और अब यहाँ पर से हमें ताऊ अंदर एडजस्ट करेंगे, तो देखते हैं ताऊ किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो रोशन दो भाई लोग जा रहे हमारे पैदल, हम जाएंगे इसमें। यार ऐसे मत करो ताऊ। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं, ताऊ ने हमें यहाँ एडजस्ट करा दिया था और बाकी 3 लोग जो हम छत में आए थे वो आ रहे हैं पैदल। पहले किस ताऊ की गाड़ी को अभी कर दिया है बाय बाय और अभी हम बैठे हैं बॉक्सर भैया की गाड़ी में, जिसका कि बारे में मैं नहीं बताया होगा लेकिन हर बार मैं इसी गाड़ी में आता हूँ घर को। तो अभी बैठ चुका हूँ बॉक्सर भैया की गाड़ी में और फटाफट से जो है चलते हैं अब। वैसे अभी तो निकलेंगे, अभी निकलने में टाइम है थोड़ा बहुत, 9 ही बज रहे हैं, 9:30 हो रहा है टाइम, तो 10-11 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। और तो फाइनली गाइस निकल चुके हैं अभी बागेश्वर से, फाइनली अभी जो है रुके हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। और बारिश की ना छोटी छोटी बूंदें जो है आने लग गई है, मतलब काफ़ी देर से आ रही है, ये दिख पा रहे हैं इसके शीशे पे पड़े यहाँ पे छोटी छोटी बूंदें बारिश की इस तरह से। तो फटाफट से खाता है खाना और वैसे नींद बहुत आ रही है, मतलब गाड़ी में कल रात सोया तो था मैं सही से लेकिन फिर भी पता नहीं नींद क्यों आ रही है, और नींद जब आ रही है ना तो उसकी वजह से उल्टी करने का इतना मन कर रहा है क्या बताऊँ। तो उससे सो ही जाओ, जब जाओ तो सो रहा हूँ तो कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, तो कुछ इस तरह से। तो अभी मैंने लिया है एक चाय
और एक स्नैक का पैकेट, यह है नासूस। वैसे मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, बिल्कुल बारिश वारिश लग रही है, बादल गरज रहे आसमान में चाय के साथ। तो कैसे भी जो है पहुंच चुके हैं हल्द्वानी में, और वैसे सौरभ जैसे भी जो है यहीं पे रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं पता नहीं। तो अभी तो सबसे पहले बारी है रोडवेज जाने की, रोडवेज जाता हूँ और वहाँ पर बस देखता हूँ कोई मिल गई तो ठीक है, वरना वेट करनी पड़ेगी, देखता हूँ कितना वेट करना पड़ता है। तो फाइनली गाइस काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद बस मिल चुकी है, क्योंकि होता ही है ना कि जैसे दिल्ली चंडीगढ़ वाले बस होते हैं ना, तो ये लोग बैठाते नहीं है, मतलब बोलते हैं कि मतलब हम थोड़ा आगे आके उतरने वाले होते हैं, जैसे कि हम काशीपुर जाके उतर जाएंगे, काशीपुर यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो इतने जाके हम उतर जाते हैं, तो इसलिए नहीं बैठाते हैं काफ़ी लोग, रामनगर और काशीपुर रुद्रपुर इस टाइप के सवारी को कम ही बैठाते हैं, तो लास्ट में बैठाते हैं, मतलब जैसे बस फुल जाती है ना कि फिर बैठाते हैं। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है अब बस मिली है, तो चलते हैं फटाफट से घर, तो चलते हैं फटाफट से अब काशीपुर। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं काशीपुर में, और यहाँ पे मम्मी लोग बिल्कुल मस्त करके खाना बना रहे हैं, देखो जिधर होगा टच पाच। तो गाइस फाइनली खाना वगैरह तो हो गया है, और दीपांशु ने देखो यहाँ पे मच्छरों से बचने के लिए क्या मस्त जुगाड़ लगा रहा है, और यहाँ पे बना रखी है मच्छरदानी। दीपांशु कौन सा होता है इसके अंदर, कौन कौन रहता है इसके अंदर? वाह आज मैं रहूँगा इसके अंदर, इसमें आयो ना तब से लगा पड़ा है इसमें क्यूब सॉल्व करने में, मुझे दिखा रहा है आधा सॉल्व हो गया, बोल इतना हो गया, बोल इतना हो गया, बस चल तो कर पूरा हो जाए तो मुझे बता देना, मैं सो रहा हूँ। तो गाइस आज के इस वीडियो में जो है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी, और थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग था बिल्कुल, और मैंने इस बार जो है पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरा पेट घूमने लग गया गाड़ी में, तो उल्टी वगैरह हो रही थी, तो अभी मम्मी देखो दूध ला गई है जो कि मैं पीता नहीं हूँ। अभी यहाँ काशीपुर मार्ग है, तो दिखाऊंगा तो आप लोगों को काशीपुर, काशीपुर यहाँ से रामनगर गरजा माता मंदिर में बहुत नज़दीक है, तो वहाँ भी आप लोगों को ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो देखता हूँ क्या सीन बनता है। तो आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, तो चलते हैं करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।